सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है तो किस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीवो के फोन में दो तरीका से बताएंगे आप ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ब्लूटूथ में आने के लिए या सेटिंग से आ सकते हैं या तो यहाँ इसको स्वाइप अप करके आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्वाइप अप कर लेते हैं। इस ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर 15 सेकंड के लिए टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर नहीं होता है तो चलिए इसको अनपेयर कर देते हैं। अनपेयर करने के लिए एक बार उसके ऊपर टैप करेंगे, तीर वाला पर इसको अनपेयर कर देंगे। उसके फिर से यहाँ पर सर्च करेंगे डिवाइस को। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों को। एक बार जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आता है, तो इसी एरर को ठीक करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यही एरर आता है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग्स में। इसमें आपको थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैकअप एंड रीसेट। उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। इसके इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वाईफाई मोबाइल नेटवर्क ब्लूटूथ आ जाएगा। रीसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको अपना मोबाइल का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, जो भी रहे या पैटर्न है कुछ भी रहे तो यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर रीसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दो बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट हो चुका है। तो चलिए लाइव प्रूफ यहाँ पर देखते हैं कनेक्ट होता है या कि नहीं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ में आने के बाद यहाँ पर इसको ब्लूटूथ को कनेक्ट करके देख लेते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसको चलिए अनपेयर करके एक बार फिर से पेयर करते हैं, डिवाइस को सर्च कर लेते हैं। डिवाइस को सर्च कर आ गया है, उसके यहाँ पर पेयर करते हैं तो यहाँ पर नहीं होता है, फिर भी नहीं होता। फिर दूसरा आपको ट्रिक बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का मोर सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद इसमें खोजिएगा तो ब्लूटूथ आपको नहीं मिलेगा। इसको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा मोर सेटिंग्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो मोर सेटिंग्स में आ जाना है। मोर सेटिंग में आने के बाद शो सिस्टम प्रोसेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा 100। यहाँ पर इसको स्क्रॉल आके उसको सबसे पहले आपको फॉरेस्ट स्टॉप करके उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज को डाटा क्लीन कर देना है। डाटा क्लियर जैसे ही कीजिएगा आप तो चलिए लाइव प्रूफ देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। तो चलिए आ जाते हैं फिर से हम ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर ब्लूटूथ आ चुका है, जैसे पेयर करते हैं। पेयर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस कनेक्ट